देखिए यहाँ पे ये है मेरा मुल्तानी मिट्टी पैकेट। आप इतना चौंकिए मत, इन सबको मैं नहीं खाऊंगी। खाने के लिए ही लिया है बट इन सबको मैं नहीं खाती। कुछ कुछ को अपने फेस पे भी लगाती हूँ। और ये मेरा पूरा बिग बिग चंक, ये देखिए कितना बड़ा पत्थर जैसा, इतना बड़ा है ना। और उसके बाद है नॉन रोस्टेड नोकोमट, ये उस पर इस पर कुछ फुल रोस्टेड भी आ गया है बिकॉज मिक्स हो गया होगा, मैंने ही मिक्स कर दिया होगा गलती से। बिकॉज मेरे पास कंटेनर नहीं था तो मैं इन सबको पॉलीथीन में रख के पार्सल वाले ही डिब्बे पे रख देती हूँ, इसलिए ये नॉन रोस्टेड नोकोमट। उसके बाद मेरा सेमी रोस्टेड नोकोमट और फुल रोस्टेड नोकोमट। मैंने जैसा कि बताया कि मेरे पास कंटेनर नहीं है इसलिए मैंने इन सबको एक ही में मिक्स करके रख दिया है। मुझे आराम से समझ आ जाता है कि कौन सा फुल रोस्टेड है एंड कौन सा सेमी रोस्टेड है। एक मिनट, ऊटर था बिकॉज अभी शाम के 5 बज रहे हैं और इसी के लिए ऊटर बजा फैक्ट्री की तरफ से। तो ये है जो है वो फुल रोस्टेड एंड सेमी रोस्टेड नोकोमट है। इन्हें मैंने मिक्स कर दिया है, मेरे पास कंटेनर नहीं थे इसलिए। और आप देख सकते हो मेरा हाथ पूरा शाम की धूप में ऐसा दिख रहा है बिकॉज ये वीडियो मैं आंगन में शूट कर रही हूँ। उसके बाद ये जो है वो है मेरा सेमी रोस्टेड नोकोमट वगैरह है ना ये। और ये आपकी इसकी क्वांटिटी कम दिख रही है, आई थी तो ज़्यादा थी बिकॉज मुझे बटर भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसे ऑफिस क्रीम भी खा लेती हूँ कभी कभी, खाना वाना खाने के बाद मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं खा लेती हूँ। उसके बाद ये नॉन रोस्टेड नोकोमट है, इसकी भी क्वांटिटी कम हो गई है। आप इसके कंपेरिजन में इसकी क्वान्टिटी देखिए बिकॉज यही बात है कि मुझे ये पसंद है इसलिए मैं इसे भी खा लेती हूँ ऑफिस क्रीम में जब भी मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद रेड क्ले का कलर कितना सुंदर आ रहा है। और ये चंक्स बड़े बड़े थे, मैंने इन्हें तोड़ के रखा है बिकॉज़ ये बॉक्स में ऐसा रखने में इजी पड़ता है, प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बॉक्स में आप चंक्स रखो तो प्रॉब्लम करते हैं। उसके बाद ये व्हाइट क्ले भी मैंने तोड़ के रखा है, चंक्स बड़े बड़े थे, इन्हें मैंने पूछ लिया ताकि ये बॉक्स में ईजिली आ सकें। उसके बाद इसकी वीडियो मैंने आप सबको दिखाई थी कैसे मैंने इन सब का पाउडर बनाया, क्रम्बल्स बनाया। अभी भी ये डिस्पोजल पे ही हैं बिकॉज इनका भी कंटेनर मेरे पास नहीं था और ये जल्द ही यूज़ होने वाले हैं इसलिए मैंने इन्हें अभी ऐसे ही रख के इन्हें पेपर में एक बार फोल्ड करके ही रख देती हूँ। तो ये वैसे ही के वही वैसे ही रखते हैं रहते हैं आप देख सकते हो। उसके बाद ये मेरे पास कुछ स्लेट्स आइटम है, टॉफ़ी है इसके अंदर, स्लेट्स है और कुछ ब्रोकन ही अंदर दिख रहा है वो है लाइक दिस है ना। उसके बाद ये बार है ना। उसके बाद ये चिप्स हैं, इसमें से कुछ ग्रूव्ड भी है या ग्रूव्ड पैकेट्स पे होंगे। मैंने अभी बहुत कुछ चीज़ों को अनबॉक्सिंग नहीं किया है बिकॉज जितना मेरे पास कंटेनर था उतना ही मैं निकाल के रखती हूँ, बाकी को अनबॉक्स जो पार्सल आता है उसी डिब्बे पे पैक का पैक रखा रहता है। जितने मेरे कंटेनर में आते हैं उतने मैं सबको निकाल के अच्छे से रख लेती हूँ। उसके बाद ये मेरे पास कुछ क्ले पॉट्स है, क्ले पॉट्स भी अब मेरे पास आने लगे हैं आराम से और बहुत सुंदर स्टॉक है मेरे पास क्ले पॉट्स का, बिल्कुल ग्रीड फ्री, मतलब बहुत अच्छा है जिसे अब मैं भी, मुझे क्ले पॉट्स या क्ले वगैरह गाइस बिल्कुल पसंद नहीं है, बी ऑनेस्ट मुझे मैं नहीं पसंद करती और ना ही खाती हूँ ऑफ स्क्रीन में नहीं। लेकिन एक बटर भी ऐसा आया है और एक जो हाफ बेक्ड, नॉन बेक्ड नहीं हाफ बेक्ड जो क्ले पॉट्स आए हैं वो अभी वाकई बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है इसलिए मैं इन्हें ऑफ स्क्रीन भी खा लेती हूँ। ये कुछ मेरे पास चिप्स हैं, ये देखिए ये हाफ बेक्ड हैं और चिप्स हैं, थिन चिप्स रखे हुए हैं इस टाइप के, टूटेंगे नहीं बट ये टूट गया। ओके सो बहुत सॉफ्ट है, बहुत बिल्कुल ग्रीट फ्री है इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। और तो ये है मेरा छोटा सा स्टॉक, बहुत लोगों को देखना था, मैंने कई लोगों को बताया था कि अभी 10-15 kg पार्सल मेरे पास रखा हुआ है तो उन्होंने बोला ठीक है आप उसी में से ही वीडियो बनाओ। मैंने कहा ठीक है ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगी। इसे मैंने ऐसे ही रखा है गाइस बिकॉज आपको एक एक खोल के दिखाती बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता मेरा और इवन आपका भी, सब बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें अच्छे से बढ़िया जमा रखा है। और फिर उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आप भी ईजिली देख पाओ और आपको भी मैं अच्छे से इलेबोरेट कर सकूँ। कुछ यहाँ पे पैकिंग आइटम्स हैं, मैंने ब्रोकन मंगाया था वो अभी अनबॉक्स नहीं किया, इसकी ज़रूरत नहीं की इसीलिए। उसके बाद मैं इसको इस डिब्बे में रखती हूँ, ये सब इस डिब्बे में रखा रहता है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद किट कैट भी अभी मेरी ज़रूरत में नहीं है, ग्रुप भी मेरी अभी ज़रूरत पर नहीं है। उसके बाद जो जो मेरे ज़रूरत में नहीं है अभी, जिनका मैं अभी क्रंच कर रही हूँ आपके लिए और जो अपकमिंग वीडियोस ला रही हूँ
उन्हीं को मैंने अनबॉक्सिंग करके रखा हुआ है। टेप सबसे निकाल लिया है, बट ये है कि अभी जो पॉलीथीन पे हैं वो पॉलीथीन पे ही हैं, बाकी जिनकी मुझे डेली ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैं इन्हें ऑफ स्क्रीन भी खाती हूँ, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इनको ऐसा इस तरह में रख लिया है ताकि आपको ईजिली बहुत अच्छे तरीके से मैं दिखा सकूँ। तो जिनके भी रिक्वेस्ट थी, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई डोंट नो और कैसे किस तरह दिखाना चाहिए, बट जो मेरे पास हैं वो मैं दिखा रही हूँ, और मुल्तानी मिट्टी, सारी चीज़ें, सारी क्लेज। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, होप सो, उम्मीद करती हूँ। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और ये कुछ क्ले पॉट्स हैं मेरे पास, स्टीम पॉट, गिर गया ये गिर गया नहीं, कितना छोटा सा सुंदर सा दिया, एक और टाइनी दिया था, बट मैंने क्या था उसे कि मैंने उसका क्रंच कर लिया। ये देखिए टाइनी दिया एक और, है ना, मिनी कह सकते हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और ये हल्का सा बस स्मोक दिया गया है इसको कुल्हड़। तो इस टाइप का करके मेरे पास पूरा अभी ऐसा पार्सल है, है ना, जिससे ये सब मिला के। तो अगर आपके दिमाग में कोई इनोवेटिव क्रंच करने का तरीका है तो आप सब प्लीज़ बताएं, मैं उसका क्रंच करके ज़रूर सुनाऊंगी आपको। और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बिकॉज़ अभी मुझे इन सबको भी समेटने में भी लगेगा। तो ओके, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं, और फिर से इन मैन्यू क्रंच साउंड वाली वीडियो के साथ आपके लिए न्यू वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। सो ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक। ओके, थैंक यू।